भगत टेक्नो आईटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं आदित्य पंडित, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जो आप अपना ईपीएफ का यदि आपका सर्टिफिकेट हो गया है श्रम सुविधा के थ्रू से, तो आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला हम लोग यहाँ पे श्रम सुविधा के वेबसाइट में गए हुए हैं। यहाँ पे यदि आपने हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपको रजिस्ट्रेशन इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा और आपको यहाँ पे एक ईपीएफ का एक नंबर भी मिल जाएगा। यदि आपके पास ईपीएफ आपको सर्टिफिकेट निकालना है, तो आपने यहाँ पे आपको अलग से वीडियो, हमारा एक ऐप है भगत टेक्नो का, प्ले स्टोर पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको ईपीएफ का सर्टिफिकेट निकालने का वीडियो मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ये मेरा ईपीएफओ का, देखिए मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन निकाल लिया है, तो यहाँ पे श्रम सुविधा का ये साइट से निकालने के बाद मुझे यहाँ पे ईपीएफओ का नंबर मिल चुका है। अब मुझे इसको डाउनलोड करना है। जैसे ही यहाँ पे ईपीएफओ का नंबर मिल जाएगा, आपको एक एसएमएस आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, वहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड दोनों मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एसएमएस को थ्रू होने के बाद ये ईपीएफओ का नंबर कॉपी करता हूँ, यही मेरा आईडी है। और मैं यहाँ पे वेबसाइट पे जाता हूँ यूनिफाई पोर्टल का, जिसका मुझे आईडी पासवर्ड यहाँ पे आता है, और वहाँ से मुझे ईपीएफ का सर्टिफिकेट मिलेगा। यह है यूनिफाई पोर्टल, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। इसके रिटर्न्स के भी वीडियो हैं, वो भी आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा, जो यहाँ पे ईपीएफ का रिटर्न कैसे भरते हैं, जीरो रिटर्न भी, और यदि आपको कोई एम्प्लॉय का रिटर्न भरना है तब भी आप वहाँ से वीडियो देख के भर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन इन करेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे हम लोग। पासवर्ड आपको एसएमएस पे आया रहेगा। यहाँ पे साइन करते हैं। यहाँ पे सब डिटेल्स आ गया, जो हम लोगों ने यूनिफाई पोर्टल पे भरा था, सेम यहाँ पर श्रम सुविधा के अकाउंट में भरा था, वही सब डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिल गया। रिटर्न भी मुझे यहाँ से भरना पड़ता है। एस्टेब्लिशमेंट में जाएंगे, पीडीएफ डाउनलोड, यहाँ पे मुझे कोड अलॉटमेंट पीडीएफ मिलेगा। ये जो फाइल है, यही मेरा ईपीएफ का सर्टिफिकेट है। अभी मुझे टेंडर भरना है या फिर बाकी कहीं पर भी सर्टिफिकेट का यूज़ करना है, तो इसका ही प्रिंट आउट लेके हम इसका सर्टिफिकेट सेंड कर सकते हैं। इसके साथ और एक दूसरा फॉर्म है, फॉर्म 5A। ये आपको बेसिकली तीन सिग्नेचर आपको चाहिए, ये तीन सिग्नेचर करके आपको पीएफ के ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है। देखिए ये फॉर्म भी आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्म आपको खुलता है और यहाँ पे आपको नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन रहेगा, और सिग्नेचर करके तीन, जैसे आपका पैन कार्ड में सिग्नेचर है, ये पीएफ के ऑफिस में सबमिट करना है। वो बाद में भी आप सबमिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे क्विक लिंक से जब आप रिटर्न करेंगे हर साल का, तो आपको उसका रिटर्न का पूरा फाइल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसे आपको डाउनलोड पीडीएफ में ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है। थैंक यू।